हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एट मिक्स में। ऐसा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉग फूड के बारे में। आपने जैसे मुझे वैसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर मेरा डॉग फूड जो है डॉग नहीं खा रहा, क्यों नहीं खा रहा, और अचानक से उसको प्रॉब्लम होगी जैसे कि हेयर फॉल हुआ, डॉग बीमार हुआ, खाना नहीं खा रहा दो चार दिनों से, क्या उसको पसंद नहीं है। तो मैंने डॉग फूड चेंज करके देखा उसके स्वाद के लिए, तो क्या इसके बेनिफिट हो गए या फिर डॉग फूड ऐसा ही वेस्ट हो रहा है हमारा और डॉग खा भी नहीं रहा। तो आपको इस वीडियो में इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि बार बार डॉग फूड चेंज करना सही है या नहीं है। बहुत सारे लोग डॉग फूड शिफ्ट करते हैं, जैसे कि कोई कोई कभी कभार जो सस्ते मिलते हैं जैसे कि डॉग फूड, तो आप वो लेके आते हो। कभी कभार डॉग फूड नहीं खाता है डॉग, तो उसकी जगह दूसरा डॉग फूड लेके आते हो। और कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि उसकी हेल्थ इंक्रीज़ नहीं हो रही, उसके लिए आप नया डॉग फूड लेके आते हो। कभी कभार महंगा लाते हो और कभी कभी सस्ता लाते हो। तो क्या इसका बेनिफिट है और क्या नुकसान है, उसी के बारे में इस वीडियो में आपको बात करने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सभी को जैसे पता है कि मार्केट में बहुत सारे डॉग फूड अवेलेबल है, जैसे कि पपीज़ के लिए, मीडियम साइज डॉग के लिए, एडल्ट डॉग के लिए, और जो डॉग बूढ़े हो रहे हैं उन डॉग के लिए भी। और ख़ास करके जो प्रॉब्लम होती है डॉग को, जैसे कि किडनी के प्रॉब्लम होती है, बोन्स की प्रॉब्लम होती है, और ऐसे खून की कवर कवर प्रॉब्लम होती है, उन सारे के लिए दोस्तों अलग अलग डॉग फूड आता है। वो आपको डॉक्टर रिकमेंडेड करेगा तब आप उसे दे सकते हो, वरना आप जो नॉर्मल फूड आता है वो भी आपको मार्केट में बहुत सारे तरह के जैसे देखने को मिलेंगे। बट आप क्या करते हो कि कभी कभार डॉग को ये फूड देते हो, कभी कभार वो फूड देते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। इससे क्या नुकसान होता है, सबसे पहले अगर आप नया पपी लेके आते हो तो कोई एक ब्रांड आप चूज़ कीजिएगा, उसका आप ट्रायल पैक लेके देखिएगा कि किस तरह से आपका पपी रिस्पॉन्स करता है। अगर वो खा रहा है, अच्छे से खा रहा है, चबा रहा है, उसकी हेल्थ अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है, तो आप उसे कंटिन्यू रख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो खाना नहीं खा रहा, डॉग फूड छोड़ रहा है, तो आप दूसरा ब्रांड का कोई भी यूज़ करके देख सकते हो डॉग फूड। ऐसे में क्या होता है कि अगर वो अच्छे से खा लेता हो तो वो कंटिन्यू रखिएगा। ऐसा नहीं कि कोई ब्रांड एक अच्छा है, एक अच्छी कंपनी है तो सारे वही दे रहे, तो आपका डॉग भी वही खाना चाहिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। अगर आपका डॉग का जो डॉग फूड है वो दूसरे ब्रांड का खा रहा है और उसकी हेल्थ अच्छे से इंक्रीज़ हो रही है, तो आपको वही उसे कंटिन्यू देना है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आप बार बार उसको चेंज करते हो तो आपका डॉग बीमार पड़ सकता है, खाना नहीं छोड़ेगा, हेयर फॉल जैसी बीमारी हो गया, वॉमिटिंग, डॉग को लूज मोशन होना, ऐसी बहुत सारी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि आपका पपी अभी खाना खा रहा है, डॉग खाना खा रहा है, तो कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि छोड़ रहा है खाना, चलो इसका मुंह का टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ गया हो तो दूसरा आप ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि डॉग फूड छोड़ते टाइम भी आपको धीरे धीरे छोड़ना है, और दूसरा डॉग फूड के ऊपर शिफ्ट कर रहे हो तो भी आपको धीरे धीरे उसको शिफ्ट करना है। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप एकदम से शिफ्ट कर देते हो तो कभी कभार जो डॉग फूड नहीं खाता, और अगर अच्छा डॉग फूड हो दूसरा आप जिस पे शिफ्ट कर रहे हो अपने पपीज़ को या डॉग को, तो वो भी अगर अच्छे से खा रहा है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर वो नहीं खा रहा है तो अब जो नॉर्मल आपका है वही आप उसे दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे में आप ट्रायल पैक यूज़ करके देख सकते हैं। ट्रायल पैक जैसे कि हो गया, 50 रुपये का आता है, 100 रुपये का आता है, कभी कभार 1 kg का भी आपको लाना पड़ता है अगर ट्रायल पैक नहीं मिल रहा है तो आप ऐसे ला के उसे ट्राई कर सकते हैं। और ऐसा मत कीजिएगा जैसे कि अभी कभी कभार आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हो तो उसमें बहुत सारी स्कीम आती है, एक के ऊपर एक फ्री आती है, एक के ऊपर कभी कभार आपको 30% डिस्काउंट आता है, 40% डिस्काउंट आता है। अगर आप जो कंटिन्यू ब्रांड है उस पर अगर आपको डिस्काउंट आ रहा था आप ले सकते हो, बट अगर आपको अलग कोई ब्रांड है उस पर डिस्काउंट मिल रहा है और आपने वो डॉग फूड लाया और अपने पपी को या डॉग को दिया, तो वो खाएगा भी नहीं और नुकसान भी अलग से होगा हेल्थ के लिए। कभी कभार दोस्तों ऐसा भी एक बार मैंने ट्राई करके देखा था, बट मेरा डॉग नहीं खाता और कभी कभार उसके हेल्थ इशू भी आते। इसलिए कोई भी एक ब्रांड आप चूज़ कीजिएगा और उसके ऊपर आप फोकस कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप क्या करते हो कि गलती करते हो कि डॉग फूड चूज़ करने में, ध्यान रखिएगा कि डॉग फूड चूज़ करने में कभी भी गलती मत कीजिएगा। डॉग फूड के पैकेट के ऊपर सारे आपको मेंशन किया जाता है कि इसके अंदर क्या है, कितने कैल्शियम है, कितने इसके अंदर वेजिटेबल्स मिक्स है, कितने बोन होती है, जो नॉन वेज आते हैं, बिना नॉन वेज के भी डॉग फूड आते हैं, तो वो सारे आप चूज़ कीजिएगा, उसके हिसाब से अपने पपी या डॉग को सिलेक्ट कीजिएगा। पपीज़ के लिए अलग आता है, एडल्ट डॉग के लिए अलग आता है, मीडियम साइज़ होते हैं उनके लिए भी अलग आता है, तो वैसे आप चूज़ करके उन्हें दे सकते हो। तो ध्यान रखिएगा, बार बार चेंज मत कीजिएगा डॉग फूड, जो है उसी पे कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपको पता नहीं डॉग फूड के बारे में ज़्यादा है तो आप डॉक्टर की राय ले सकते हो। अगर आपके डॉग अच्छे से नहीं खा रहा है तो आप डॉक्टर की राय लेके दे सकते हो उसे। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपका डॉग फूड अच्छे से खा रहा हो, आपका पपी या डॉग, वही उसे कंटिन्यू दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।